भाई अमृतपाल सिंह जी को बेनती है आ पिछे जो उन्होंने एक बयान मैं सुनिया है उन्होंने पिंड धुंदे दे विच जाके गल कही भी अज तक जिहड़ा प्रचार होया कूड़ प्रचार होया भी जे मान लो भी तुसीं राज भाग स्थापित कर ही लिया तो उत्थे फिर साडा कित्थे थां होएगा जे असीं ते कूड़ प्रचार वाले हाँ फिर तो तुसीं सानूं किधरे होर भेजोगे आ पिछे जे एक लत्तां मारदा फिरदा सी मैं उहदा नां ते नहीं लैणा उह कहिंदा जी असीं ते हथियार इस करके चुके आ असीं ते लड़ना है असीं ते शहीद होना है सानू जपजी साहब का पाठ तो आता कोई नहीं सानू को पुछ लवे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पुत्रां का ना की है सानू को पुछ ले पंजा प्यारियां का ना की है की है वो पिछे जो इंटरव्यू पुछया भी सी ते एक भी जवाब नहीं आया हुण ऐ थोड़ा भी आप कही भी मैं हथियार चक ले ते मैं बंदे मारने शुरू कर देने जे मान लो सिख राज मिल गया तो की असी अपने इतिहास में समर्पित ना होवांगे साडी कट्टड़ता नू छड के ना एक दूजे नू छड के वो जी इत्थे ऐ नहीं होना चाहिए इत्थे ऐ नहीं होना चाहिए सानू अपनी पनीरी नू संभालना चाहिए की गल की साई भाईचारे की गल की वो बड़े बड़े पद्धर से ना जो अपना प्रचार कर रही है पर एस जी पी सी उसे सवाल उठाने लोग भी एस जी पी सी है जो करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी जो सिखी के प्रचार नहीं कर रही एस जी पी सी जी एस जी पी सी जी कुछ करी ना तो यह मतलब ये थोड़ा भी आप कहेंगे भी सिखी का प्रचार नहीं अज तो असं कह दें या छोटे साहबजादे ही देखो नीह के खड़े है ना उदो कि एस जी पी सी सी ये तो एक बड़ा बड़ा बहाना है कमेंट करने वाले हूँ भी थले कमेंट कर देंगे उन्होंने जो ये गल सुननी उन्होंने कहना नहीं जी भाई साहब तुम तो एस जी पी सी रले हो मैं बेनती करा जिहड़ा कमेंट करेगा वो पहला अपने जीवन च वेखे किन्नियां तू इतिहास सुनाया है ज तू कि इतिहास जानता है गुरु है कला एस जी पी सी का थोड़ा ये भी तो सानू वेखना पैना ना भी आप कई बने एस जी पी सी वाले तो असं की करते हैं फिर साडी कट्टड़ता छड के ना एक दूजे को छड के वो जी इत्थे ऐ नहीं होना चाहिए इत्थे ऐ नहीं होना चाहिए सानू अपनी पनीरी नू संभालना चाहिए कि असी स्कूलों के जाके कि असी क्लासा नहीं ला सकते कि असी स्कूलों के पंजाब के स्कूलों के चलो बाहर दे नहीं वैसे तो हर पासे जिथे भी होना चाहिए ज भारत के हर स्कूल के जाके तुसी अद्धे घंटे का कोई प्रोग्राम यहोजा उलीकना चाहिए भी स्कूलों के जाके बच्चों दसिया जाए मैं दो तीन दिन पहला भी स्कूलों के एक दो स्कूलों के जाके आया वो बच्चों जानकारी जी है ना इस दसंबर के महीने के जरूरी है एक कसूर बच्चों का नहीं एक कसूर साडा है भी असी बच्चों तक सही जानकारी सही नॉलेज दसंबर के महीने की जानकारी जी दे नहीं सके जिम्मे जसूसी की गल की साई भाईचारे की गल की वो बड़े बड़े पद्धर से ना जो अपना प्रचार कर रही है पर एस जी पी सी उसे सवाल उठाने लोग भी एस जी पी सी है जो करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी जो सिखी के प्रचार नहीं कर रही वो बारे की कहना थोड़ा नहीं आप ना मैं पहला भी बेनती की है भी असी किसी संस्था को टारगेट करने की बजाय भी आप कहने भी एस जी पी सी जी एस जी पी सी जी कुछ करी ना तो यह मतलब ये थोड़ा भी आप कहेंगे भी सिखी का प्रचार नहीं जदों वेखो भाई तारू सिंह की खोपड़ी लाई गई उन्होंने अपना खोपड़ लवा लिया अजे उम्र किन्नी सी 22-23 साल 24 साल की उम्र है इस उम्र के उन्होंने शहादत का जाम पीता है उन्होंने अपनी सिखी की खातर उदो कि एस जी पी सी अज तो असं कह दें या छोटे साहबजादे ही देखो नीह के खड़े है ना उदो कि एस जी पी सी सी ये तो एक बड़ा बड़ा बहाना है ठीक है उन्होंने भी अपना रोल है जोड़ा वो सही तरीके दे नाल अदा करना चाहिए बड़ी वीडी जिम्मेवारी है उन्होंने सिर पर है ना प्रचार प्रसार के वो अपने पद्धर से कर भी रहे पर आप इस चीज़ में कह के नहीं जी एस जी पी सी ए नहीं कर रही जा एस जी पी सी के मैंबर नहीं ए कुछ कर रहे ये तो ना इं कह लो भी किसी मैं कहना भी टारगेट बना के करन जरा पेश करने वाली गल है भी असं हूँ कहने भी वो कसूर है जो कसूर है नहीं पहला असी कहें ना सियाने कहें पहला अपने मंजे थले सोटा मर गए कमेंट करने वाले हूँ भी थले कमेंट कर देंगे उन्होंने जो ये गल सुननी उन्होंने कहना नहीं जी भाई साहब तुम तो एस जी पी सी रले हो मैं बेनती करा जिहड़ा कमेंट करेगा वो पहला अपने जीवन च वेखे किन्नियां तू इतिहास सुनाया है ज तू कि इतिहास जानता है जे तो जानना आ तो मैं कहना तेन सवाल कर हक है भाई तू गल कर है ना तू प्रचार कर तो जो गुरु है कला एस जी पी सी का थोड़ा ये भी तो सानू वेखना पैना ना भी आप कई बने एस जी पी सी वाले तो असं की करते हैं फिर ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
बहुत वधिया तरीके दे नाल जिहड़ी उन्हां दी शुरुआत है ना जदों मैं देखदा बड़ी वधिया सी, पर शुरुआत तो जिहड़ा उन्हां दा एक टारगेट उन्होंने ले लिया सी वी सिख राज दी उन्होंने गल कीती है जी, असीं वी सारे हमायत दे विच आं, साडा वी जी करदा वी साडा वी जिहड़ा राज होवे। पर गल इह है वी भाई अमृतपाल सिंह जी नूं बेनती है, मैं कुछ क्योंकि एड्डा वड्डा विद्वान जां सियाणा तो नहीं, पर मैं बेनती भी कर सकदा, शायद हो सकदा मन्नण के ना मन्नण। बेनती इह है वी जदों राज करना हुंदा ना, वेखो 12 मिसलां सन जी, ते 12 मिसलां दे विच जदों सानूं राज भाग दी गल आई ना, भावें उन्हां दे मुद्दे वक्खरे वक्खरे सन, हो सकदा उन्हां दे विच 100 आपस दे विच उन्हां दी कोई लड़ाई सी झगड़ा सी जां मर्यादा दे प्रति हैगियां सी, पर उन्हां 12 मिसलां दी जदों गल राज दी आई ना ते उन्हां ने इकट्ठे हो के जिहड़ा आ उह सिख राज जिहड़ा आ उह कायम कीता जी। बिल्कुल इसे तरह मैं बेनती करां, साडा सुपना जिहड़ा आ ना जे उह सिख राज दा ना जो लैके चले ने इस संकल्प नूं, अमृत छकारे ने बड़ी वधिया गल है, पर आ पिछे जे उन्हां दा एक बयान मैं सुनिया, उन्हां ने पिंड धुंदे दे विच जाके गल कही भी अज तक जिहड़ा प्रचार होया कूड़ प्रचार होया जी, इही गल हुई ना। उह प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदे ने भी अगों जवाब दिता भी जे मान लो भी तुसीं राज भाग स्थापित कर ही लिया तो उत्थे फिर साडा कित्थे थां होएगा, जे असी तो कूड़ प्रचार वाले हाँ फिर तो तुसीं सानूं किधरे होर भेजोगे। देखो मैं बेनती करा भी विचारधारा सोच अलग हो सकती है, मिशनियां की सोच अलग हो सकती है, टकसाली सिंघां की नानक अंग सिंह जथेबंदियां की सोच अलग हो सकती है, इहदा मतलब ये थोड़ा जे वह वख तरीके दे नाल जां वख एंगल तो वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो असीं उन्होंने कहेंगे भी तुहानूं देश निकाला जां असीं तुहानूं गोली मार देनी आ, इहदा मतलब इह तां नहीं। वैसे उन्होंने जिहड़ा तरीका है वह खंडे बाटे की पौल जिहड़े उह शिकारे ने बड़ी वधिया गल है। हाँ इस गल ते जरूर जोर देना चाहिए है भी भाई सारे दे सारे जिहड़े अमृत छक रहे ने वो भाई सिख इतिहास तो गुरबाणी तो जरूर जाणू होवो। आ पिछे जे एक लत्ता मारदा फिरदा सी, मैं उहदा नां ते नहीं लैणा, वह कहिंदा जी असी तो हथियार इस करके चुके आ असी तो लड़ना है अभी तो शहीद होना है, उन्होंने पुछण वाला होवे भी शहीद होने वास्ते तैनू थोड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने, अज वेखो सानू समझना पैना है भी अज लड़ाई विचार दी है, सानू जपजी साहब का पाठ तो आता कोई नहीं, सानू को पुछ लवे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पुत्रां दा नाम की है, सानू को पुछ ले पंजा प्यारियां दा नाम की है, वह पिछे जे इंटरव्यू पुछया भी सी ते एक भी जवाब नहीं आया हुण ऐ थोड़ा भी आप कही भी मैं हथियार चक ले ते मैं बंदे मारने शुरू कर देने। देखो सब तो पहला जिथे भी गल चलेगी ना विचारधारा की चलेगी, सानू पहला अपने आप नू प्रपक्ष करना चाहिए, जिन्ना चिर असीं खुद प्रपक्ष नहीं होवांगे तो फिर मान लो भी जे सानू सिख राज मिलता ही है एज ए एग्जाम्पल है मान मिल जाए तो वह कभी वो जे मान लो सिख राज मिल गया तो की असी अपने इतिहास में समर्पित ना होवांगे, जो भी साडा उत्थे कानून होएगा वो साडे इतिहास तो ही प्रेरित होएगा ना, जो भी असी उत्थे आपां बनावांगे गुरबाणी के आधार पर ही होएगा ना, तो गुरबाणी तो कहिंदी है सभे सांझी वालस दायन तो किसे ना दिसां बहरा जी, गुरबाणी तो कहिंदी है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे है ना, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, गुरु साहब तो सानू ये समझाते गुरु नानक साहब जी कहिंदे सब मैं जोत जोत है सोए, भगत कबीर साहब जी कहन लगे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, फिर इस करके ना मैं बेनती करा। हाँ बड़ा वधिया तुहाडा सवाल है भी अमृत छकाओ, बहुत वधिया गल है, पर अमृत छकाउण दे नाल सानू जिहड़ा है प्रचार ते प्रसार अज हो की रहा है, तड़ा तड़ अमृत छकाए जा रहे ने, बहुत वधिया गल है छकाउणे चाहीदे ने, पर बाद दे विच की हुंदा है, बाद दे विच उही जिहड़े एक चाह चाह दे विच तुर पे, जिस तरह देखो आप एक छोटी जी उदाहरण है भी किसान है जिहड़ा वो जदों फसल बीजदा है ना तो वह बी पा के जिहड़ा है ना फसल नूं छड्ड नहीं दिंदा जी, वह उहदा बड़ा ध्यान रखता है भी मैं ये फसल बीजी है वेखो इहनूं नदीन ना जे किधरे इहदे ते वध जाए है ना जां इहनूं कोई कोई सूंडी ना खा जाए, हरे उहनूं जद तक फसल वह पकदी नहीं ना वह बड़ा ध्यान रखता है। देखो जिहड़ा आगू है ना जिहनूं मान लो भी असीं अगे लाया जे वह प्रेरके इधर लिया रहा है इहदा मतलब यह नहीं भी असी गिनती वधाई जानी आ भी मैं भी इन्हें अमृत छका दिते तो उन्हां दा ख्याल भी तो रखना पैना है ना, उन्हां नूं देखना पैना भाई पहली शर्त ही उन्हां दी होनी चाहीदी है भाई जे तुसीं खंडे बाटे की पौल लैनी है ना तो भाई पहली गल यह है भी तुसीं रहत दे विच रहना है, मन बनदा पहला तो वेखो छका अमृत छकाउण नूं ना कि गुरु नानक साहब जी खंडे बाटे की पौल तैयार नहीं सन कर सकते सी, खंडे बाटे की पौल सतगुरु गुरु नानक साहब की दसवीं जोत गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तैयार की, अमृत
दसवें जामे दे विच आण के तैयार होया खंडे बाटे की पौल। हुण सानू ये समझना पैना भी पहले जामे तो लैके सतगुरु गुरु नानक साहब जी का जन्म है 1469 का, 1469 तो लैके 1699 तक की होया भला? ये होया कि एक सिख की काड़त कड़ी गई है, जां इहो कह लो भी एक एक जीवन की जुगती दसी गई है। जदों 1699 दे विच गुरु साहब नूं ये लग्या हाँ भी हुण ये खालसा वाकई प्योर है, वाकई ये खालस हो चुके ने, वाकई ये वहमां भरमां चों निकल चुके हैं, वाकई ये बाणी दे नाल प्यार करदे है, वाकई इहनां ये पंथ की खातर धर्म की खातर सच की खातर मर मिटण वास्ते ये तैयार ने। तो फिर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने खंडे बाटे की पौल तैयार की है, पंथ की जिहड़ी उह साजना की है। जरूरी है बधाई दे पात्र ने भाई अमृतपाल सिंह, पर बेनती यह भी है कि नाल दी नाल उन्हां नूं यह भी प्रेरिया जाए भाई गुरबाणी आप पढ़ो।